हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के दौरान। तो फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, यूपी बीएड 2020 यानी 2020 उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 से रिलेटेड चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो टॉप एग्जाम में पूछे गए हैं और जहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है पेपर्स में, तो हम उससे रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। और क्या है, और टॉप 20 जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो शायद आपके काफ़ी सारे जो पेपर्स हैं उनमें मदद मिले। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और जीएस के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, तो आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछा जाता है। मध्यकालीन इतिहास में क्या है कि आधा इतिहास मुगलों से जुड़ा हुआ है, आधा स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत में भी वही चीज़ें हैं, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो हमको जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है, और सिलेबस भी आधुनिक भारत का इतिहास है वह ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर अगर गौर करें तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1835, 1837, 1839, 1841। तो अब इसका अगर आंसर हमको देना रहे तो 1839 में हम देंगे। तो असम में सबसे पहले चाय कंपनी की जो स्थापना थी 1839 में हुई, और यह कंपनी जो थी इंग्लैंड में स्थापित की गई, और नजीरा जो है असम में इस कंपनी का जो है मुख्यालय लगाया गया। बात अगर भारत में की जाए कि द भारत के कंपनी की व्यापारिक कंपनी की जाए, तो द असम कंपनी जो है वो सबसे पुरानी चाय की व्यावसायिक कंपनी है। लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय जो है चाय परंपरा की शुरुआत हुई थी 1835 में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी 1834-35 उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च कराया, और 1835 में जो है उन्होंने इसकी स्थापना की और चाय के बागान लगने शुरू हुए। भारत में 1953 में जो है चाय बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई। तो इसका आंसर रहेगा 1839। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इंडियन इंस्पेक्टर और वॉइस ऑफ जो इंडिया है उसके लेखक कौन है, उसके संपादक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं, वी एम मालाबारी जी हैं, बी पी वाडिया जी हैं, नौरोजी फरदीन जी हैं। अब कौन है, तो इसका आंसर जो है वो बी एम मालाबारी जी को जाएगा। बहराम जी मालाबारी एक समाज सुधारक थे, सेवा सदन नाम से एक सामाजिक संस्था भी की भी स्थापना किए थे, ठीक है। बात अगर दादा भाई नौरोजी जी की करें तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, ठीक है। और तीन बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1883, 1893, 1906 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम का खिताब दिया था, तो अजीमुल्ला को दिया था, बर्जिस कद्र को दिया था, वक्त खान को दिया था, हसन खां को दिया था, तो इसका आंसर जो है वह है वक्त खां। हुआ क्या था कि जो विद्रोही सैनिक थे हमारे, जिनको अंग्रेज विद्रोही कहते थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, ठीक है, वह बहादुर शाह जफर को जो है अपना सेनापति नियुक्त करते हैं, पर बहादुर शाह जफर काफ़ी बूढ़े थे, तो उन्होंने जो वक्त खान है इनको अपना सेनापति नियुक्त करते हैं, और शाह आलम बहादुर की उपाधि से इनको नवाजते भी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो अगस्त 1935 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहला है ऑप्शन सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल, तो इसका आंसर हम देंगे विट्ठल भाई पटेल। और 25 में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल जी, और विट्ठल भाई पटेल जी जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष थे अंग्रेजों के टाइम में। कोई भी पहला भारतीय जो था वो अगर कोई था सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष, तो विट्ठल भाई पटेल जी थे, और यह जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 कब से प्रभावी हुआ, तो 18 जुलाई जो है 1947 को जो है यह हमारा जो है
जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वह प्रभावी हुआ। ठीक है, 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इस चीज़ को पेश किया जा रहा है और 18 जुलाई को शाही संस्तुति मिलने के बाद यह एक्ट का रूप ले लेता है। तो ना तो इसका ऑप्शन 14 अगस्त होगा, ना तो 10 जुलाई होगा और ना ही जो है 4 जुलाई होगा। तो ये कभी मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान जी को, डब्ल्यू सी बैनर्जी को, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मद्रास में, कलकत्ता में। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था और 1913 में जो है लाला हरदयाल जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है फर्स्ट, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब इसका जो है आंसर जो है लॉर्ड जो है चैम्सफोर्ड के टाइम में जो है वो रोलेट एक्ट पारित हो रहा है और इसी में था काला कानून, इसी को बोला जाता था, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। ठीक है, चलिए ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो 1899, 1901, 1903, 1905। तो 1905 में जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, बंगाल विभाजन जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका आंसर जो है 1905। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद पाल, लोकमान तिलक, लाला लाजपत राय। तो बाल पाल तो तीन लोग तो यहीं हो गए हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वह जो थे उग्रवादी नेताओं के रूप में नहीं जाने जाते थे और गांधी जी के जो है वह राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन करके हिंदू मुस्लिमों को जो बांटने का काम किया था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन करके किया गया था। चलिए इनमें से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका आंसर हम देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो नंबर एक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ चीज़ ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना भी हो गया लेकिन अगर तेलंगाना नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, तो आप आंध्र प्रदेश करिएगा। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था विनोबा भावे जी के द्वारा 18 अप्रैल 1951 में। आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना क्षेत्र था, अब जो राज्य बन गया है, पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया था। ठीक है, स्वतंत्रता का नव गृहित जो तिरंगा है पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1926, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1931। तो सबसे पहले आप देखिए तो 31 दिसंबर जो है 1929 को जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो जो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इस चीज़ को किया गया। तो 1929 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती नल्ली सेन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो थी 1917 में बन रही हैं आपकी श्रीमती एनी बेसेंट, उसके बाद जो है सरोजनी नायडू हैं और उसके बाद अगर कोई बन रहा है तो नल्ली सेन गुप्ता जी हैं। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट इसका सही आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो ए होम जी को हैं कि एन एस एन बनर्जी हैं कि डब्ल्यू सी बनर्जी जी हैं कि उसके बाद दादा भाई नौरोजी जी हैं। तो इसमें आप आंसर कौन सा मारेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डब्ल्यू सी बनर्जी जी जो हैं, ये भीमेशचंद बनर्जी जी जो हैं 1885 में जो है वो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और ए हुम जी रहते हैं वो महासचिव रहते हैं इसके। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए के आज़ाद, बी आर अम्बेडकर, जेएल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 पे।
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी जो था वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। अब इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो आप देखिए तीन ऑप्शन तो है ही नहीं है, सीधे लॉर्ड रीडिंग को जो है वह मारते हैं। लॉर्ड रीडिंग जो थे वह जो थे आपके 1921 से लेकर 1926 तक रहते हैं, और इन्हीं के टाइम में मोपला विद्रोह और जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन होता है इन्हीं का टाइम होता है। तो यह लॉर्ड रीडिंग जो थे वह जो थे यहूदी हुआ करते थे। ठीक, निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा, तो आगा खां, एमन जिन्ना, लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल। अब थोड़ा सा देखिएगा तो एमन जिन्ना तो मुस्लिम राज्य की मांग नहीं कर रहे थे, लियाकत अली जो थे वहाँ के वो भी नहीं कर रहे थे, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो मोहम्मद इकबाल ने जो है टू नेशन थ्योरी के नाम पर जो है इस चीज़ को रखा जो है कांग्रेस के सामने, तो इसका आंसर जो है वो मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, ए के आज़ाद, एम के गांधी, जो है एम अंसारी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसके द्वारा, तो एक अबुल कलाम आज़ाद जी की जो है पुस्तक जो है वह है इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी और भी पुस्तकें हैं, अल हिलाल, वकील, अल नदवा जो है ये भी इनकी पुस्तकें हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा देखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेल सम्मेलन कब हुआ, तो ऑप्शन है 1931, 1929, 1930, 1932। ठीक है, तो प्रथम गोलमेल सम्मेलन जो था वो 12 सितंबर 1930 को जो है सेंट पैलेस में हुआ था, सम्राट जॉर्ज पंचम और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो था वह हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 1930 यानी 12 सितंबर 1930 को। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था, फजलुल हक जो थे, खिजर हयात खान थे, लियाकत अली खान थे कि गज अली खान थे। ठीक है, इसको देखते हैं ये पूरी चीज़ क्या है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका जो क्योंकि मुस्लिम लीग उसमें थी तो उसके हिसाब से देखें तो लियाकत अली खान जो थे वो मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे, बाद में वहाँ जाके जो है वह प्रधानमंत्री भी बनते हैं लियाकत अली खान, तो क्योंकि 5 सदस्यों को लेना था मुस्लिम लीग के भी इस अंतरिम सरकार में, तो लियाकत अली खान इसका जो है सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे, क्योंकि हमेशा टफ क्वेश्चनों को पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि इस बार यूपी बीएड जो है लखनऊ विश्वविद्यालय ले रही है, तो पेपर सेट बहुत अच्छा वो बनाते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी को भी अपने रखिए। तो अभी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर इस चीज़ की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।